जी क्या कर ली मेरी बेटी, पूरा माथा में क्या कर रही तुम संतोषी, पूरा माथा में डाल लिया मिट्टी। मिट्टी देख ही नहीं पाएगा ये भगवान। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 5, हम लोगों ने थोड़ा सा आराम कर लिया और यहाँ किचन में क्या बन रहा है अभी? मैगी। मैगी बन रहा है। मैगी खाएगी तुम? मैगी खाएगी? मैगी खाएगी? खाएगी मैगी? अभी हम जा रहे हैं मार्केट शिवम के लिए स्वेटर लाने के लिए स्कूल का, क्योंकि स्कूल का स्वेटर जो होता है स्कूल के हिसाब से ही वो रहते हैं और वो दुकान भी फिक्स रहता है कि वहीं से मिलेगा। तो हम पहले नहीं लिए थे क्योंकि उस समय ठंडा नहीं था और सोचे थे कि हम जब आएंगे वापस शादी घर से तो खरीद लेंगे। तो आज ही का आज भर का ही मौका है क्योंकि कल सुबह से इसको स्कूल जाना है, तो उसके लिए हम स्वेटर लेके जा रहे हैं और फुल शर्ट भी ले लेंगे, साथ ही साथ फुल पैंट भी ले लेंगे। ठंडा आ गया और अभी हमको ऐसे गर्मी लग रहा है, लेकिन संतोषी बोल रही है कि बार बार ठंडा है, रूम के अंदर ठंडा नहीं लगता है, पता नहीं चलता है, लेकिन बाहर में बहुत ठंडा है। यहाँ पे दिविशा जो है पेंसिल से खेल रही है और इतना सारा पेंसिल जो है इसको संतोषी की जो बुआ है, छोटी वाली बुआ है, मतलब क्या लगेंगे फूफा जी ना, उनके हस्बैंड फूफा जी जो स्कूल में टीचर है तो उनको पेंसिल वगैरह शायद मिलता है या क्या पता नहीं। तो 3 पैकेट पेंसिल दिया गया है, शिवम का अच्छा काम आ जाएगा। तो चलिए निकलते हैं, जैकेट पहनते हैं फिर निकलते हैं स्वेटर लेने के लिए। एक सादा एक ब्लू स्वेटर एक थे बड़ा दीबें। मार्केट से वापस आ गए हैं और शिवम वहाँ पे गेट लगा रहा है। लो स्वेटर वेटर आ गया, देख लो देख लो साइज वाइज सही है कि नहीं, उसको बोले कि बाद में लौटाएंगे। एक बार पहना के देख लो उसको सब कुछ, परफेक्ट फिट हुआ है। मार्केट से सब्जी वगैरह लेकर के आया है और लेकर के आया है ये वाला बैंगन जो कि ठंडी के टाइम में ही मिलता है। और संतोषी देखिए उसमें चाकू मार रही है, बनाया जाएगा इसका बैंगन का भरता ना संतोषी। हाँ धनिया पत्ता भी लाया है, ये है प्याज, प्याज का पत्ता बोलता है इसका ना। तुम क्या कर रही है? इसको मिल गया चॉकलेट और शिवम भैया गया है स्कूल इसलिए अकेले खेल रही है घर में। शिवम स्कूल से आ गया है और वो मोबाइल देख रहा है और साथ में खा रहा है ये बादाम। यहाँ पे कुछ राजस्थान से बादाम बेचने के लिए आए हैं और बहुत ही अच्छा क्वालिटी है बादाम का। शिवम कैसा लग रहा है बादाम खा के? पहली बार ये बादाम खाया है तो पहले खा ही नहीं रहा था, तो हमको देख करके ये भी खाना स्टार्ट किया तो बोला कि अच्छा है, खाओ खाओ खाओ, नमक भी खा रहा है तुम, खाओ। और उधर दिविशा खिड़की में, क्या रे बदमाश, क्या हाल है क्या? और देखिए देखो देखो इसका बदमाशी, देखो इसका बदमाशी, गिरेगी नहीं तुम गिरेगी नहीं तुम, आंख बंद करके चलती है जो तो भैया का मोम वाला कलर लेके गाल रंग रही है अपना, हाँ गाल में यहाँ लाल रंग लगा लिया, लाली लगाई है लाली। और चुम्मू तो बाबा को चुम्मू तो क्या देख रही है तुम यहाँ पे? क्या है क्या है? बकरी? बकरी बकली और इधर संतोषी खाना खा रही है और साथ में अपना सीरियल देख रही है। A few moments later, यहाँ बालकनी में ये हम पौधा लेके आए थे 4 गेंदा फूल का, तो हम कल ही लेके आए थे लेकिन इसको हम लगा नहीं पाए क्योंकि हम ड्यूटी चले गए थे, फिर वापस आए ड्यूटी से फिर टाइम मौका ही नहीं मिला और ऐसा स्थिति हो गया है, पौधों को जिंदा करने का कोशिश किया जा रहा है, हो जाएगा देखिएगा। तो इसको अभी हम लगा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मिट्टी है, चलिए मिट्टी निकालते हैं और गमला भी हम खरीद के लाए हैं 4, चले स्टार्ट किया जाए पौधे लगाना।
और चारों गमले में गेंदा फूल का गाछ लगा दिए हैं, लेकिन सबका स्थिति देखिए कैसा है। मेरा ही गलती था, जिस दिन लाए थे उसी दिन लगाना चाहिए था। हमको लगता है कि अगर इसको लगना होगा तो एक दो दिन में ये सही हो जाएगा। A few moments later. दिशा के लिए कुछ नहीं लेके आएगा क्यों? पूरा गुस्सा में है ये अभी। अरे छोटी बहन के लिए कुछ नहीं लाएगा मार्केट से? क्यों, कारण तो बताओ। तो तुम्हारी छोटी बहन है ना, तुमको कुरकुरे खाने दी ना। दीदी एक ठो हमको दो, एक ठो हमको दो, दे दे। नहीं देगी? हमको दे दे, एक ठो खाएंगे। अब मम्मी को देगी, बाबा को नहीं देगी? प्लीज मम्मी कर दे, प्लीज दे दो। तेरा जुठाट हो जे दो। हमको दो, हमको दो बेटा, जुठाट हो जे दो। दे 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 दे। टुमारो अभी है सुबह का वक्त और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी क्या कर रही है। जो हम कल पौधा लगाए थे, बस इसको मिट्टी मिलने से ही मतलब है। तुम नहीं रहने देगी पौधा को? अरे जा 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 जी। क्या कर ली मेरी बेटी, पूरा माथा में। क्या कर रही तुम संतोषी? पूरा माथा में डाल लिया मिट्टी। मिट्टी देख ही नहीं पाएगा ये भगवान। कैसे रहेगी तुम, कैसे रहेगी? इतना तबीयत खराब होता है, सर्दी खांसी, ये तो ना है तो रह नहीं पाएगी। मिट्टी से तुमको इतना प्यार। चलिए जी, वक्त हो गया है सुबह का नाश्ते का और नाश्ता आ चुका है। यहाँ पे है साग है, मूढ़ी है और आलू का सब्जी है और ये पालक का साग है। ठंडी में बहुत अच्छा लगता है खाने में। और चाय आने वाला है और चाय भी आ गया गर्मा गर्म, साथ में ब्रेड भी है। मलाई मर गई। ओए मिट्टी, मिट्टी ने, 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 ने। क्या हालत की अपना। अब देखिए पूरा घिना रही है भगवान, ये तो कूलर को बर्बाद करके रखी है पूरा। फिर वैसे देखो वॉशिंग मशीन को घिना रही है। वाह कर रही है दीदी। उसे बोल रही है। चलिए हमारा नाश्ता भी आधा हो गया है। 2 hours later. पौधा हम लगाए थे ये तो नहीं हुआ, तो उसके लिए हम यहाँ पे पौधा और लेकर के आए हैं, तो इसी को लगा देते हैं गमला में। आपका खाना हम लोगों ने खा लिया और अभी बज रहे हैं 9:45 रात के और हम स्वेटर पहन के तैयार हो गया है क्योंकि हमको जाना है नाइट ड्यूटी। और संतोषी अभी क्या कर रही है? आलू छिल रहा है, छोटा छोटा आलू, नया आलू है ना। तो किस लिए अभी रात को क्यों छिल रही है? नहीं रात में छोटा छोटा आलू छिलने में बहुत टाइम लगता है और कल सुबह शिवम स्कूल जाएगा, उसके लिए नाश्ता वास्ता बनाने में टाइम हो जाएगा, इसलिए अभी छिल के रख रहे हैं। नाश्ता के लिए बनाएंगे आलू दम। तो चलिए अपना टाइम मैनेजमेंट कर रही है कल सुबह का नाश्ता का, जो अभी तैयारी कर ले रही है। तो हम भी निकलते हैं नाइट ड्यूटी और इस ब्लॉग को भी यही खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस ब्लॉग को पूरा देखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।